व्याकरण जोश आप सभी प्रतियों की परीक्षार्थियों के लिए 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2015 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 7 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। हाशिम अमला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अफगानिस्तान में 7.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। समीरन चक्रवर्ती सिटी बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त। विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित। ईंधन संकट कम करने के लिए नेपाल और चीन के मध्य समझौता। भारत और श्रीलंका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2015 शुरू। करंट अफेयर्स विस्तार से। हाशिम अमला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। हाशिम अमला ने यह उपलब्धि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ 5वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हासिल की। अमला ने भारत के विराट कोहली का कीर्तिमान तोड़ते हुए 126वें मैच की 123वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने 141वीं पारी में, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 147वीं पारी में 6000 रन पूरे किए थे। अफगानिस्तान में 7.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में काबुल से 256 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंदू कुश की पहाड़ियों में जमीन के 200 किलोमीटर अंदर था। अफगानिस्तान में भूकंप से कम 90 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और दक्षिण एशिया के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। दीपिका स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की मिसुन चोई से 2-6 से हार गईं। दीपिका का विश्व कप में यह चौथा पदक है। मिसुन बेहद ने 3 सेटों में 29-29 अंक हासिल किए और उन्होंने 5-1 से बड़ी बढ़त हासिल कर ली। समीरन चक्रवर्ती सिटी बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त। इस नियुक्ति से पूर्व समीरन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रबंध निदेशक और दक्षिण एशिया के लिए मैक्रो अनुसंधान प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पूर्व में ICICI बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी अपनी सेवा दी है। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गणितीय अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के मैक्रो इकोनॉमिक्स संकाय में भी कार्य किया है। विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी को नेपाल की संसद में 327 वोट मिले जबकि प्रतिद्वंदी को सिर्फ 214 वोट ही मिल पाए। नेपाल में विद्या देवी भंडारी को लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है। ईंधन संकट कम करने के लिए नेपाल और चीन के मध्य समझौता। यह समझौता नेपाल की नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन और चीन की चाइना नेशनल यूनाइटेड ऑयल कॉरपोरेशन के मध्य हुआ। यह पहली बार है जब चीन व्यावसायिक रूप से नेपाल के लिए पेट्रोलियम आपूर्ति कर रहा है। इसके साथ ही नेपाल के लिए ईंधन आपूर्ति का भारत का लंबे समय का एकाधिकार समाप्त हो गया। लंबे समय से प्रदर्शनकारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के चलते भारत से नेपाल को की जाने वाली तेल आपूर्ति बाधित हो रही थी। भारत और श्रीलंका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2015 शुरू। SLINEX 2015 के माध्यम से भारत और श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा की क्षमता में वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा, कृपाण और सावित्री जहाज जनित हेलीकॉप्टर अभ्यास में भाग लेंगे। श्रीलंका की नौसेना की ओर से इस अभ्यास में सयूरा, समुद्र, सागर, 6 त्वरित आक्रमण विमान, 2 त्वरित गनबोट और 1 त्वरित मिसाइल जहाज भाग लेगा। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX
वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और अब तक इसके 3 सफल अभ्यास किए जा चुके हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।